दोस्तों मैंने स्टेटर को खाली कर लिया पूरा, ये देखिए स्टेटर को खाली करके एकदम अच्छे से साफ़ कर लिया है ब्रश से, अच्छे से ब्रश से एकदम कोना कोने एकदम सब साफ क्लीन कर लिया है ब्रश को, ब्रश से इसके सारे सारे स्लॉट क्लीन कर लिए हैं इसमें, ये पूरे स्लॉट क्लीन कर लिए मैंने। यह 12 स्लॉट का स्टेटर है। ये कॉइल लिए मैंने 36 नंबर की। अब इसमें पीवीसी पेपर, ये पीवीसी पेपर है, ये पीवीसी पेपर है, इसको नाप के स्टेटर को नाप के इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ये देखिए ये इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, यानी कि इतना ये लगभग जाएगा, ये देखिए ये थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए, इतना बड़ा काटूंगा मैं, थोड़ा सा बड़ा स्टेटर से थोड़ा थोड़ा बड़ा, ताकि स्टेटर में शॉर्ट ना हो जाए कॉइल। इतने नाप का मैं अब पीसी पेपर का लंबा कटिंग कर काटूंगा, पूरा लंबी कटिंग करूंगा। देखिए पेपर इतना लंबा है, पेपर ही पेपर पूरा लंबा है। उसके बाद फिर आपको पेपर कटिंग करके बताता हूँ उसमें पेपर किस हिसाब से किस प्रकार लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी बताता हूँ आपको पेपर काट के किस हिसाब से लगाया जाएगा इसमें पेपर। ओके दोस्तों।